आंगनवाड़ी कार्य और पर्यवेक्षण। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर जच्चा और बच्चा विकास में आंगनवाड़ी केंद्र एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। समाज कल्याण विभाग की देखरेख में काम कर रहे आंगनवाड़ी केंद्र महिलाओं और बच्चों के लिए लाभान्वित साबित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र ICDS स्कीम के तहत काम करते हैं। स्कीम के तहत उचित आहार, शिक्षा और हेल्थ चेकअप की सुविधा दी जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों में काम करने वाली वर्करें घर घर जाकर महिलाओं को उनके स्वास्थ्य, सफाई व अन्य जरूरी बातों के प्रति भी जागरूक करती हैं। जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं सशक्त होने लगी हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्यों के आंगनबाड़ी सेविकाओं से बात कर उनका संबोधन किया तथा उनके कार्यों की सराहना भी की, और साथ ही उनके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को उज्जवल भविष्य की कामना भी की। हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उन तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया। आप सभी ने इस मिशन को तेज गति से आगे बढ़ाया और देश में 3 करोड़ से अधिक बच्चों और 85 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करवाया। आंगनवाड़ी केंद्रों की आवश्यकता। केंद्रों के पर्यवेक्षण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग आंगनवाड़ी सुपरवाइजर की नियुक्ति करती है। सुपरवाइजर केंद्रों की देखरेख करती हैं। इनका काम आंगनवाड़ी केंद्रों की जांच करना, केंद्र के लिए पोषाहार उपलब्ध करवाना, गर्भवती महिलाओं और बच्चों का समय पर टीकाकरण करवाना होता है। प्रत्येक 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त होती है, जिसे मुख्य सेविका कहा जाता है, और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका को कार्य के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करती है। आंगनवाड़ी छोटे बच्चों की आवश्यकताओं तथा देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने का केंद्र भी हो। आंगनवाड़ी वर्कर का क्या काम है? आंगनवाड़ी वर्कर का काम संबंधित गांव या क्षेत्र में मुख्यतः गर्भ निरोधक परामर्श और आपूर्ति, पोषण, शिक्षा और पूरकता, पूर्व विद्यालय शिक्षा आदि गतिविधियों से संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और उनसे संबंधित कार्य कराना होता है। आंगनवाड़ी और नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति के तहत NIOS आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित करेगा। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षण संस्थान पूरे देश की आंगनवाड़ी और बाल वाटिका की कार्यकर्त्रियों को प्रशिक्षित करेगा। इसके लिए NIOS पूरे देश में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगा ताकि बच्चों को सही शिक्षा मिल सके। आंगनवाड़ी में क्या क्या सुविधाएं हैं? आंगनवाड़ी में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण, समस्त गर्भवती स्त्रियों के लिए प्रसव पूर्व देखभाल और टीकाकरण, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अनुपूरक पोषण, गर्भवती और शिशुओं की देखभाल करने वाली स्त्रियों को अनुपूरक पोषण। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का काम और जिम्मेदारियां। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए टीकाकरण कराना तथा उन्हें पोषक आहार उपलब्ध कराना, गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय तक टीकाकरण उपलब्ध कराना, नवजात बच्चों की माताओं तथा उनकी देखभाल करने वाली औरतों को पोषक आहार देना, कुपोषित बच्चे को उचित स्वास्थ्य प्रदान करना तथा उन्हें केंद्र अस्पताल भेजना, 15 से 45 वर्ष के बीच की महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान देना, बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को समय समय पर टीकाकरण की जानकारी देना भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनौपचारिक पढ़ाई की सुविधा देना, नवजात तथा 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करना तथा 6 वर्ष तक के बच्चों को एक स्वस्थ वातावरण देना, बच्चों के खान पान तथा
पानी पीने का ध्यान भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रखना पड़ता है। बच्चों तथा माताओं के लिए जो भी सामान आता है उसे घर घर तक पहुंचाना भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का फर्ज होता है। आंगनवाड़ी शिक्षक बनने के लिए कौशल। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए आपको बच्चों की देखभाल करना आना चाहिए। कार्यकर्ताओं को पौष्टिक आहार और टीकाकरण के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सामान बांटने के लिए कार्यकर्ताओं को घर घर जाना पड़ता है। आंगनवाड़ी केंद्र बाल विकास और वृद्धि में सहायता प्रदान करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाल विकास और गर्भवतियों की सेवाओं के प्रति जागरूक रहना ही आंगनवाड़ी वर्कर्स अपना दायित्व समझती हैं। ग्राम पंचायतों को ये सुनिश्चित कराने के लिए विभिन्न सहायक और पर्यवेक्षी भूमिकाएं निभाने की आवश्यकता है कि आंगनवाड़ी समुचित ढंग से कार्य करें। जच्चा बच्चा हो सुरक्षित, बस यही अभिलाषा है। जीवन हो पोषण से भरपूर, बस यही हमारी आशा है।